नमस्कार साथियों, जिस प्रकार कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों का धरना प्रदर्शन जो है कई दिनों से जारी था और मेरी टीम के साथ मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो धरना प्रदर्शन किया, तो शाम को कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सारी डिमांड्स को माना। वहां के चीफ प्रॉक्टर ने वीडियो में ये साफ तौर से कहा है कि हमने जो है आप परीक्षाओं को ऑनलाइन करना है, आप निश्चिंत रहें। और वहाँ पे जब हमने मेमोरेंडम उन्हें दिया तो उन्होंने वहाँ में साइन करके अश्योर किया कि आपकी परीक्षाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसी बेशर्म एडमिनिस्ट्रेशन जो विद्यार्थियों के जीवन के साथ खेलने का काम कर रही है, विद्यार्थियों को इस समय मजबूर कर रही है कि इस बढ़ते स्पाइक में भी वो जो है अपने एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर जाए। हमने बार बार वहाँ की वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, वहां की यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की कि जब बच्चे कश्मीर के अंदर, खास तौर से सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं, हमें सब मालूम है कि कश्मीर के अंदर विद्यार्थियों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। हमने बार बार उनसे ये कहा कि यहाँ के विद्यार्थियों ने अगर आपके साथ एक ट्रस्ट जो डेफिशिट था, अगर वो ट्रस्ट बिल्डअप किया है तो आपको इन बच्चों को साथ लेके, कॉन्फिडेंस में साथ लेके कश्मीर के हालात को सही करना चाहिए, आपको इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसा माहौल वहां पे क्रिएट किया जा रहा है कि वहां के विद्यार्थियों को धमकाया जाता है, वहां के विद्यार्थियों को यह कहा जाता है कि हम आपको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, आपको हम जो है एग्जाम्स में फेल कर देंगे। ये बिल्कुल एनएसयू बर्दाश्त नहीं करेगा। खास तौर से देखा जाए तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी है, वो दोनों एक ही एक्ट से बने हैं, एक ही एक्ट से बने हैं और सेम वाइस चांसलर है, गवर्नर साहब हमारे सेम चांसलर दोनों यूनिवर्सिटीज के हैं, लेकिन टू सेट अप रूल्स जो है वो यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं, कश्मीर में अलग, जम्मू में अलग। हम नहीं चाहते कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो जिस तरीके से डिफरेंसेस को क्रिएट किया गया है वो जो है ना हो। हम चाहते हैं कि दोनों विद्यार्थियों को सेम जो है ट्रीटमेंट मिले। हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कश्मीर के विद्यार्थियों को इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने के लिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर करे। हम अपील करते हैं वहां के चांसलर साहब से, वहां के वाइस चांसलर साहब से कि जल्द से जल्द आप अपने इस ऑर्डर को रिवोक करें और बच्चों की बेहतरी के लिए और बच्चों के इंटरेस्ट के लिए जल्द से जल्द आप परीक्षाओं को ऑनलाइन करें। नहीं तो जिस प्रकार आज फिर से धरना प्रदर्शन जारी हुआ है तो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन किस ओर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी और उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।